हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। ये है गार्लिक स्टिक की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो अगर मैंने एक कटोरी सूजी ली है तो मैंने डेढ़ कप पानी, यानी डेढ़ कटोरी पानी सेम कटोरी से डाला है। और इसमें अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें इसे स्पैचुला की हेल्प से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्ब्स ना पड़े। और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक ये उपमा वाली कंसिस्टेंसी जो आती है ना, उससे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा और टाइट हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो देखिए अब सूखने लगा है। और ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसी तरह इसे चलाते रहना है। तो ये थोड़ा थोड़ा जब गाढ़ा हो जाए तो हम इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे, क्योंकि ये गर्म है तो थोड़ा पतला है, लेकिन जैसे ये ठंडा होता है तो ये बिल्कुल ही सख्त हो जाएगा। तो अब इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब करीब 15 मिनट बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच के करीब गार्लिक, जिसे मैंने अच्छे से बिल्कुल काट लिया था बारीक बारीक, और ये है 1 चम्मच ही रेड चिली फ्लेक्स। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ऑरिगेनो। तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा जो बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं इसमें बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करीब 1 चम्मच कैप्सिकम के डाल रही हूँ। आप चाहें तो नहीं डालें तो भी चलेगा, बट इसको डालने से थोड़ा सा टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएगा इसका। और अब बस हमें इसे अच्छे से आटे की तरह मल लेना है। इसको जितना मलेंगे ना उतना ही अच्छा हमारा ये सूजी का गार्लिक स्टिक बनेगा। तो इसे अच्छे से कम 1 से 2 मिनट तक हम इसे मल लेते हैं बिल्कुल आटे के जैसे। और अब एक फ्लैट सरफेस लेना है और उसमें पानी या आप चाहें तो तेल की मदद से इसे फैला लें ताकि ये स्टिक ना हो। तो इसे हाथों की हेल्प से हमें इसे अच्छे से रोटी के जैसे फैला लेना है। और ये अब अच्छी तरह फैल चुका है, हमने इसे स्प्रेड कर दिया। अब इसे पिज़्ज़ा कटर या कोई नाइफ़ की हेल्प से हम इसे काट लेंगे। तो आपको जितने छोटे टुकड़े रखने हैं उतने छोटे आप रख सकते हैं, लंबे रखने हैं लंबे रख सकते हैं। और इसे अब एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह सारे स्टिक्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उसके आगे का प्रोसेस करते हैं हम। अब हमें क्या करना है, एक पैन या कोई नॉनस्टिक तवा लेना है और उसे गरम कर लेना है। और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा बटर इसमें डाला है जिसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर डालने से और भी अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको और भी ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। और इसी तरह हम सारे जो स्टिक्स हैं इस तवे पे डाल देंगे और इसे करीब 1 से 2 मिनट तक हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। और उसके बाद हमें पलट कर दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो ये आप एक स्नैक्स के जैसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो बच्चों को आप दे सकते हैं या फिर उनके टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे सूजी से बना रहे हैं, कोई मैदा वैदा हमने यूज़ नहीं किया है इसमें, तो है ना बहुत ही अच्छा हेल्दी सा ऑप्शन। तो एक साइड से ये पक चुका है तो हमने दूसरी साइड से भी इसे पलट लिया है और इस साइड से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप जितना क्रिस्पी चाहते हैं उतना अच्छे से इसे सेक लीजिए। और ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, तो ये बिल्कुल रेडी ही हो गया है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो चलिए एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं और अपनी फेवरेट सॉस या कोई भी डिप के साथ इसे खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, और अगर पसंद आई है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।